नमस्कार, मैं हूं साक्षी। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले अब एक नजर सुर्खियों पर। बिहार के अधिकारियों की संपत्ति हुई सार्वजनिक। सरकारी शिक्षकों की अब दो बार लगेगी हाजिरी, हाफ टाइम में नहीं हो सकेंगे फरार। बिहार में इस दिन से लू को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। बिहार में निर्दलीय प्रत्याशियों की गिरी दावेदारी। आईपीएल 2024 में टॉप पर पहुंची राजस्थान रॉयल्स की टीम। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। बिहार के अधिकारियों की संपत्ति हुई सार्वजनिक। बिहार के अधिकारियों की संपत्ति सार्वजनिक हो चुकी है। मुख्य सचिव बृजेश मल्होत्रा के साथ ही डीजीपी आरएस भट्टी और अन्य अधिकारियों की संपत्ति को सार्वजनिक कर दिया गया है। आपको बता दें कि मुख्य सचिव बृजेश मल्होत्रा के पास 3 बैंक अकाउंट है। उनके SBI अकाउंट में 11,81,000 रुपए, केनरा बैंक के अकाउंट में 33,000 और एक्सिस बैंक के अकाउंट में 7,70,000 रुपए है। लखनऊ में उनका और उनकी पत्नी का 27 लाख का एक फ्लैट है। कैबिनेट के अपर मुख्य सचिव व्यय सिद्धार्थ कर्ज में है। उनके बैंक खाते में 52,81,000 रुपए है। DGP RS भट्टी के पास 45,000 रुपए है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक की बात करें तो इनके पास ना ही गहने हैं और ना ही अपनी कोई गाड़ी। उनके बचत खाते में 8,71,000 रुपए जमा है। सरकारी शिक्षकों की अब दो बार लगेगी हाजिरी, हाफ टाइम में नहीं हो सकेंगे फरार। बिहार शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव KK पाठक ने शिक्षकों के लिए नया आदेश जारी किया है। इसके अनुसार अब सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की दो बार हाजिरी लगेगी। ये हाफ टाइम में विद्यालय को छोड़कर नहीं जा सकेंगे। हाफ टाइम में विद्यालय को छोड़कर जाने पर शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई होगी। हर दिन इनकी दो बार जांच की जाएगी और स्कूलों में निरीक्षण के लिए पदाधिकारियों की तैनाती की गई है। जांच के पहले दिन सभी स्कूलों में शिक्षक 5 बजे तक उपस्थित रहे। इसका मतलब ये है कि फिलहाल स्कूलों में पठन पाठन का कार्य ठीक से चल रहा है। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट से असंतुष्ट होने पर करे ये काम। बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा के रिजल्ट से असंतुष्ट होने पर विद्यार्थियों के पास कॉपियों को चेक कराने का मौका है। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कहा गया है कि विद्यार्थी एक विषय और एक केस पैच बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से कहा गया है कि विद्यार्थी एक विषय, एक से अधिक विषय या फिर सभी विषय के अंकों से असंतुष्ट होने पर उन विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं को स्क्रूटनी के लिए अप्लाई कर सकते हैं और मैट्रिक परीक्षा 2024 की उत्तर पुस्तिकाओं को स्क्रूटनी के लिए 3 अप्रैल से भेजा जा सकता है। वेबसाइट secondary.biharboardonline.com पर विद्यार्थियों को आवेदन करना होगा। 9 अप्रैल तक आवेदन करने के लिए दिया जाएगा और उसके लिए प्रति विषय 120 रुपए खर्च करने होंगे। बिहार में चुनाव आयोग ने नवादा और भोजपुर के DM और SP को हटाया। बिहार में चुनाव आयोग ने नवादा और भोजपुर के DM और SP को हटा दिया है। चुनाव आयोग के द्वारा बड़ी कार्रवाई की गई है। भारत निर्वाचन आयोग ने भोजपुर के DM राजकुमार और SP प्रमोद कुमार यादव को हटा दिया है। नवादा के जिलाधिकारी आशुतोष वर्मा और SP अम्बरीश राहुल पर भी एक्शन लेते हुए उन्हें आयोग के द्वारा पद से हटा दिया गया है। जानकारी के अनुसार भारत निर्वाचन आयोग की ओर से इन दोनों जिलों के SP और DM को हटाने का आदेश बिहार सरकार को भेज दिया गया है। बिहार का GST संग्रह हुआ उम्मीद से बेहतर। बिहार में GST संग्रह में 18.13% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यहाँ का GST संग्रह उम्मीद से बेहतर हुआ है। इस मामले में बिहार राज्य देश में दूसरे स्थान पर पहुंच चुका है। ये UP और बंगाल से भी आगे निकल गया है। 2023 और 24 में एक GST कैश मद में 1,058 रुपए को संग्रहित किया गया है। ये अब तक का सबसे अधिक SGST संग्रह है। इधर वाणिज्य कर विभाग का कर संग्रह 54.35 करोड़ रहा। बताया जाता है कि राजस्व के संग्रह में डेटा का बहुत बड़ा योगदान होता है और इसके लिए विभाग की ओर से कोषांग का निर्माण किया गया है। जदयू ने 16 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की घोषणा की। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल यूनाइटेड ने 16 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों के नाम का ऐलान कर दिया है। इसमें कई मंत्रियों को प्रभारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसमें अशोक चौधरी, विजय चौधरी समेत कई दिग्गज नेता शामिल है। कटिहार से मंत्री अशोक चौधरी को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर पूर्णिया में मंत्री विजय चौधरी को जिम्मेदारी दी गई है। झंझारपुर से
मदन सहनी, सीतामढ़ी से जयंत राज, सुपौल से विजेंद्र यादव, किशनगंज से जमा खान, शिवहर से खालिद अनवर, गोपालगंज से अजय चौधरी, मधेपुरा से महेश्वर हजारी, बांका से श्रवण कुमार को प्रभारी बनाया गया है। बिहार में निर्दलीय प्रत्याशियों की गिरी दावेदारी। बिहार में निर्दलीय प्रत्याशियों की दावेदारी में गिरावट दर्ज की गई है। बताया जाता है कि चुनावी खर्च के कारण निर्दलीय प्रत्याशियों की भागीदारी कम हुई है। 3 दशकों में अब ये संख्या घटकर आधी हो गई है। साल 1996 में देश में 13,952 निर्दलीय प्रत्याशी घटकर साल 2019 में 8,054 रह गए। बिहार की बात करें तो यहाँ निर्दलीय उम्मीदवारों की संख्या घटकर अब 1448 से 626 हो चुकी है। बीते 3 दशकों में बिहार के निर्दलीय प्रत्याशियों में 57% की गिरावट हुई है। पिछले 3 दशकों में कमी करीब 3 गुना तक की है। बिहार में इस दिन से लू को लेकर मौसम विभाग ने किया अलर्ट। बिहार में 10 अप्रैल के बाद से मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट किया है। आशंका जताई जा रही है कि इस बार सामान्य से कम वर्षा होगी। अप्रैल की शुरुआत में ही वैशाली का तापमान 40 डिग्री तक पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि अप्रैल से प्री मानसून का महीना शुरू हो चुका है और इस कारण अधिकतम और न्यूनतम दोनों ही तापमान में बढ़ोतरी देखने को मिली है। 10 अप्रैल के बाद से ही प्रदेश में लू चलने लगेगी और उत्तर पछुआ शुष्क हवा ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। अप्रैल की शुरुआत से ही पछुआ हवा चल रही है। फिलहाल राजधानी पटना में मौसम शुष्क बना हुआ है। पटना में इस हफ्ते अधिकतम तापमान 32 से 38 डिग्री सेल्सियस तक हो सकता है। गाड़ी पर पुलिस लाइट लगाकर रील बनाने पर युवक के खिलाफ FIR दर्ज। गाड़ी पर पुलिस लाइट लगाकर रील बनाना एक युवक को महंगा पड़ गया। बेगूसराय में गाड़ी में साइन बोर्ड और लाइट लगाकर रील बनाने पर एक युवक के खिलाफ साइबर थाने में FIR दर्ज हुआ है। युवक के खिलाफ कार्रवाई करने पर वो फरार हो चुका है। युवक के पिता ने पुलिस को ये जानकारी दी है कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर रील बनाकर डालता है और अभी वो बाहर गया हुआ है। युवक के खिलाफ IT एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ है। इस मामले की फिलहाल जाँच की जा रही है। तेजस्वी यादव के साथ RJD के पूर्व मंत्रियों को बंगला खाली करने की दी गई डेडलाइन। तेजस्वी यादव के साथ ही RJD के पूर्व मंत्रियों को सरकारी बंगला खाली करने का आदेश दिया गया है। मालूम हो कि भवन निर्माण विभाग की ओर से बिहार सरकार के मंत्रियों को बंगला अलॉट कर दिया गया है और इसके साथ ही RJD कोटे के पूर्व मंत्रियों को 1 महीने के अंदर बंगला खाली करने का निर्देश है। NDA की सरकार के गठन के 3 महीने बाद मंत्रियों को आवास आवंटित किया गया है और तेजस्वी यादव वाले बंगले में अब DC सम्राट चौधरी रहेंगे। पूर्णिया के पूर्व सांसद ने चुनाव लड़ने को लेकर दिया अपडेट। पूर्णिया की लोकसभा सीट से पूर्व सांसद अजय सिंह उर्फ पप्पू सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर अपडेट दिया है। उन्होंने कहा है कि वह इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने ये भी जानकारी दी है कि पूर्णिया की वर्तमान स्थिति से वो काफी पीड़ा में है। पहले इनके चुनाव लड़ने की चर्चा की जा रही थी लेकिन अब इन्होंने ये साफ कर दिया है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस नेतृत्व की ओर से कोई ठोस निर्णय नहीं लिया गया है। वो अब जन सुराज से जुड़कर यहाँ की जनता की सेवा करेंगे। मालूम हो कि इस लोकसभा सीट पर पप्पू सिंह की गहरी पैठ मानी जाती है। यहां से ये 2 बार भाजपा का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। लालू यादव के साले साधु यादव ने पप्पू यादव का दिया साथ। लालू यादव के साले साधु यादव ने पप्पू यादव का साथ दिया है। इन्होंने कहा है कि पप्पू यादव के साथ नाइंसाफी हो रही है। साधु यादव ने ये भी कहा है कि वो समय आने पर रोहिणी आचार्य का साथ देंगे। फिलहाल वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। रोहिणी आचार्य की राजनीति में आने को लेकर साधु यादव ने कहा है कि चुनाव लड़ना या लड़ाना व्यक्तिगत होता है या किसी की मर्जी पर निर्भर करता है। राजद लालू यादव की पार्टी है, वो जिससे चाहे चुनाव लड़वा सकते हैं। दरअसल ये सारी बातें साधु यादव ने दैनिक भास्कर को दिए गए एक साक्षात्कार में कहा है। इधर रोहिणी आचार्य ने ट्वीट कर कहा है कि इस बार कंस मामा के प्रकोप से बच गए, अगली बार मिट्टी में मिलना तय है। मुजफ्फरपुर से भाजपा सांसद अजय निषाद कांग्रेस में शामिल। मुजफ्फरपुर से भाजपा के सांसद अजय निषाद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि उनके साथ छल हुआ, इस कारण वो भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे रहे हैं और उसके बाद वो कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। मालूम हो कि भाजपा के द्वारा 17 सीटों पर अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है। ऐसे में मुजफ्फरपुर के वर्तमान सांसद अजय निषाद को टिकट नहीं दिया गया और उसके बाद वो टिकट कटने से नाराज चल रहे थे।
वहीं अब वो कांग्रेस में शामिल हो गए हैं। इधर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने अपने नाम के बाद मोदी का परिवार हटा दिया है। इसके बाद भाजपा को अजय निषाद की ओर से झटका लगा है। अजय निषाद के समर्थकों का कहना है कि वो चाहे जिस पार्टी से टिकट लेकर आए उनकी ही जीत होगी। पशुपति पारस और प्रिंस राज ने जेपी नड्डा से की मुलाकात। पशुपति पारस और प्रिंस राज ने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की है। इसके बाद जेपी नड्डा ने पशुपति पारस को लेकर खास भरोसे की बात कही है। जेपी नड्डा ने कहा है कि पशुपति पारस आज भी एनडीए का हिस्सा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है। ऐसे में लोकसभा चुनाव में बिहार की 40 सीटों को लेकर नड्डा और पशुपति पारस और साथ ही प्रिंस राज के साथ खास बातचीत हुई। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा है कि पशुपति पारस अब बिहार में एनडीए के प्रत्याशियों के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। आईपीएल 2024 में टॉप पर पहुंची राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल 2024 में राजस्थान रॉयल्स जीत की हैट्रिक लगाकर नंबर एक पर पहुंच गई है। बीते दिन एक तरफा मुकाबले में मुंबई इंडियंस को राजस्थान रॉयल्स ने 6 विकेट से हरा दिया और उसके बाद मुंबई की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। राजस्थान रॉयल्स ने लगातार तीसरी बार ये जीत हासिल की। मुंबई इंडियंस की ये तीसरी हार थी और वो आखिरी स्थान पर है। वहीं राजस्थान रॉयल्स लगातार 3 जीत के साथ पहले स्थान पर है। राजस्थान रॉयल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को शीर्ष स्थान से हटा दिया। पॉइंट्स टेबल में चेन्नई सुपर किंग्स को भी एक स्थान का नुकसान झेलना पड़ा और वो तीसरे स्थान पर पहुंच गई है, जबकि गुजरात टाइटंस चौथे पायदान पर है। आपके अनुसार मौजूदा परफॉर्मेंस को देखते हुए क्या मुंबई इंडियंस टॉप 4 में अपनी जगह बना पाएगी? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर दें। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत से लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम हैं उमेश श्रीदेव, जितेंद्र ठाकुर, राजकिशोर महतो, रवि कुमार राम, रंजीत मिश्रा, संघर्ष कुमार, राम बाबू यादव, मोहम्मद शकीर हुसैन, बाबूलाल मरांडी, नौशाद राजा, अनवर करीम खान, वेद प्रकाश सिंह, रमन कुमार, उमेश कुमार। उसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का हमारा सवाल है, बिहार के युवा नेताओं में कौन आपके पसंदीदा है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज, और साथ ही अगर आप YouTube से देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप Facebook से देख रहे हैं तो पेज को लाइक करना नहीं भूलें। धन्यवाद।